दोस्तों, रिक्शा वालों की समस्या समझने के लिए आज भागलपुर में हमने रिक्शा चलाया और जिस तरीके से रिक्शा चलाने के दरमियान जो है लोगों ने जो बातें हमें महसूस हुई, रिक्शा चलाने के बाद जो हमने जाना, जिस तकलीफ को एक तरीके से झेला, समझा उस तकलीफ को कि किस तरीके से रिक्शे वाले अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं और सामाजिक स्तर पर अपनी इज्जत बचाने के लिए, दो वक्त की रोटी ईमानदारी से खाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट दोस्तों, देख सकते हैं और रिक्शे की जबरदस्त सवारी से याद आया, बहुत कम बार ऐसा होता है कि रिक्शा चलाने वाले भैया जो हैं पीछे बैठे और पैसेंजर जो है वो चलाएं। तो पीछे बैठे हुए भैया जी हम चला रहे हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है और हेल्थ के लिए जो है ये बड़ी अच्छी बात है, लोगों को भी चलाना चाहिए ज़रूर से ज़रूर जब भी मौका मिले। कोई इसमें लाज शर्म की बात नहीं है,